मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री वाईएस परमार की जयंती पर रिज स्थित उनकी प्रतिमा और विधानसभा परिसर शिमला में उनके चित्र पर भी पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार की 115वीं जयंती पर आज रिज पर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर शिमला में आयोजित एक समारोह में भाग लेते हुए डॉक्टर परमार के चित्र पर भी पुष्पांजलि अर्पित की, जहां विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, संसदीय मामले मंत्री सुरेश भारद्वाज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सहजल, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज, मुख्य सचेतक विक्रम जरियाल, उप मुख्य सचेतक कमलेश कुमारी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राधा रमन शास्त्री और राजीव बिंदल, विधायक, विधानसभा सचिव और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस अवसर पर डॉक्टर परमार को पुष्पांजलि अर्पित की। सिंह परमार जी, जिनको हम हिमाचल प्रदेश निर्माता के रूप में जानते हैं, और हिमाचल के निर्माण में, हिमाचल को दिशा देने में एक बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल को बनाने के लिए जो भूमिका रही, उसके साथ साथ में हिमाचल किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, हिमाचल प्रदेश में विकास के लिए प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए, उन सारी बातों के लिए अपने विज़न के साथ उन्होंने काम किया, और उस विज़न के साथ आज भी हम आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर, उनकी जयंती पर, मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और उनके दिए गए कॉन्ट्रीब्यूशन, उनके योगदान के लिए जो हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, और आज इस जयंती का अवसर पर मैं श्रद्धा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।